नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब ने पूछा कि मैम, नए साल पर ठाकुर जी को स्नान कैसे करवाते हो, यानी कि गोपाल जी को स्नान कैसे करवाते हो? तो मैं उनको स्नान पंचामृत से करवाऊंगी, और जो राधा कृष्ण हैं उनका स्नान भी मैं पंचामृत से करवाऊंगी, और वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और आपने पूछा कि मैम, पूजा कैसे की जाती है नए साल पर? नए साल पर पूजा कोई स्पेशल तो होती नहीं है, सिर्फ हमारे भाव अलग होते हैं कि किसी स्पेशल ओकेजन पर हमारे भाव एकदम से ही चेंज हो जाते हैं। जैसे हम घर में भी भजन सुनते हैं, लेकिन जब किसी सत्संग में जाते हैं और पूरा ऑर्केस्ट्रा के साथ भजन सुनते हैं, तो उसकी मस्ती कुछ अलग ही होती है। तो सारी चीज़ हमारे भाव पर डिपेंड करती है, क्योंकि हमारे भाव अलग हो जाते हैं और हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है। तो आज हम उसी भाव और उसी ऊर्जा से पूजा करेंगे। पूजा तो वैसी ही होगी जैसे हम डेली रूटीन में करते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि आज मैं अपने कान्हा जी को पंचामृत से स्नान करवाऊँगी। ये पंचामृत मैंने पहले ही बना कर रख लिया है, दूध, दही, शहद, तुलसी पत्ता और गंगा जल। और इसे मैंने थोड़ा हीटर के पास रख दिया था, क्योंकि दही ठंडी होती है तो ये ज़्यादा गर्म नहीं है। अब मैंने पानी में इनको स्नान करवाऊंगी, ये हल्का गर्म ही लिया है। शहद में स्नान तो मैंने इन्हें करवा दिया, ये देखिए। और दही से भी इनके अंदर काफ़ी चमक आ गई है। अब इन्हें कपड़े पहना दूंगी मैं, जुराबें, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। इनकी फ्रॉक ये भी पहना देंगे, लेकिन आज मैं इनका जो श्रृंगार है वो कुछ अलग सा करूंगी। इनको बहुत अच्छे से सजाऊंगी आज मैं। इनको गर्म कपड़े तो पहना दिए, और अब मैं इनको पहनाऊंगी, ये है वैजंती माला, जो इनको बहुत ही प्रिय है, यानी कि इनको बहुत ही पसंद आती है, इनको बहुत ही अच्छी लगती है। अब मैं इनका श्रृंगार करूंगी।
ये देखिए इनका श्रृंगार मैंने कर दिया, ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब मैं इनको पहना दूंगी वैजंती माला। मैंने गोपाल जी को पंचामृत से स्नान भी करवा दिया, उनके अच्छे से श्रृंगार भी करा दिया, गोपी चंदन से माला भी पहना दी। और कुछ आज नया साल स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि आज सफला एकादशी है और आज के दिन जो लोग व्रत रखते हैं वो फलाहार रखेंगे। मेरा भी व्रत है, मैं भी फलाहारी करूँगी और राधा कृष्ण को भी व्रत वाला खाना ही मिलेगा और गोपाल जी को भी व्रत वाला खाना ही मिलेगा। तो गोपाल जी को तो मैंने स्नान करवा दिया, लेकिन अभी मेरे को राधा कृष्ण का स्नान करवाना बाकी है। उनका व्लॉग आपको कल मिलेगा क्योंकि उसमें मुझे पूरा दिन व्लॉग बनाने में ही लग जाएगा, उनकी तैयारी करनी पड़ेगी, मंदिर भी सजाना होगा अभी मुझे। अभी तो मैं इनकी आरती करूँगी और इनको विराजमान कर दूँगी मंदिर में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।